हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इस बुक का सोल्यूशन मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। आपको रोज़ाना क्लासें मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ऑल पर। क्या होगा, जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, क्या होता है कि हम इसको बुक को मोबाइल से पहले इनको क्वेश्चन काटना पड़ता है, फिर इसकी पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर इसको एडिट करना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरीके से ऐसे ही हम स्टैंड लगा के और आप लोगों का सोल्यूशन, जैसे क्वेश्चन बोलता रहूँगा और आंसर बताता रहूँगा, उनका ये डिस्कस है वो भी मैं आपको बोलता रहूँगा। अगर आप इस तरीके से वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। तो मुझे क्या है, मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ रीजनिंग को सबका सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अदर चैनल वाले आपको पैसे से वीडियो देंगे, बोलेंगे हमारा ऐप डाउनलोड करो, ये करो, वो करो। हम नहीं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि हम वाईफाई लगवा लेंगे तो हमारे पास नेट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये पार्ट वन है। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हो, ऐसे में कैमरा लगा के थोड़ा अच्छे से आपको क्वेश्चन क्लियरिटी सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। और आज हमने आपको कम से कम 50 मिनट की हमारी वीडियो है, इसको आप कंटिन्यू देख लो और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन पूरा एंड तक देखिए और कैसी वीडियो लगी और ये हमने जो आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। दोस्तों हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है और हम आज इस बुक का पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मात्रक से रिलेटेड, यानी कि यूनिट से, और काफ़ी लेंदी वीडियो चलेगी, आप वीडियो को पूरा देखें। रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई हो जाएगी क्या, वो हो जाएगी यानी कि वेकुरल, ठीक है। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे जो मात्रक होते हैं, ऐसा ही मात्रक होते हैं, यानी कि ऐसा ही यूनिटें होती हैं, तो वो होती हैं सात, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि रेडियो धर्मिता की ऐसी मात्रक क्या होगी, हमारी वेकुरल होगी। लेकिन मूल भौतिक राशि है उनके अभिन्न अंग, जैसे कि मीटर है, मीटर का जो मूल भौतिक राशि है लंबाई, किलोग्राम, किलोग्राम की हो जाएगी द्रव्यमान, सेकेंड, सेकेंड की समय, एम्पियर विद्युत धारा, केल्विन की ताप, मोल की पदार्थ की मात्रा, कैंडेला की ज्योति तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को, मेरा ये टारगेट रहेगा कि 10 घंटे में फिजिक्स को कंप्लीट किया जाए, 10 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम हमारी पास है, अब हमें सिर्फ सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, वो भी फास्ट। और भार की ऐसा ही मात्र क्या होता है, तो हम कैसे भार का ऐसा ही का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूटन। तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर भी हम अगर देखना चाहें तो वही हमारा सेम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। आगे देखते हैं। आगे निम्न में से किस राशि का ऐसा ही मात्र केंडला होता है? तो वो होता है ज्योति तीव्रता का, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछे गए। हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हो संवेग का ऐसा ही मात्र, संवेग की ऐसा ही पद्धति क्या है, ये हमको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, संवेग की ऐसा ही पद्धति हो जाएगी किलोग्राम, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। यहाँ पर कहाँ पर, यानी बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर हमेशा याद रखना द्रव्यमान इंटू वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ये दो बार एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी और एएलपी में भी। तो विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम होता है। आगे हमारा है प्रकाश वर्ष की क्या है वो इकाई, वो हो जाएगी दूरी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं? अभी मैंने आपको बताया दूरी के लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध को ओम, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है ये हमें बताना है। तो नवे का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, नवे का वो हो जाएगा, यानी मतलब ओम। अभी मैंने प्रतिरोध पूछा था, प्रतिरोध का मात्रक ऐसे
ऐसे ही तरह क्या था, ओम होता। अब ओम का पूछा तो ओम का हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन ही, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नहीं है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का वो हो जाएगा, यानी कि वो नहीं होगी, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। NTPC का है, 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये पूछा गया था। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायोप्टर। तो हमारा सही ऑप्शन 11 का, आप लोग बी ऑप्शन लगा देना, क्या बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और एक बात कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को पूरा रिवीजन कर लो, अगर आपकी एग्ज़ाम NTPC की CBT 2 की एग्ज़ाम है तो बस इस वीडियो को एक बार देख लो और कुछ नहीं, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा हमने जो अभी NTPC की एग्ज़ाम दी या रेलवे कोई सी एग्ज़ाम दी, तो ये हमारा रिवीजन हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये लेटेस्ट अपडेट बुक है, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, तो वो हो जाएगा क्यूरी में। तो राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन, आप लोग इसका लगा देना, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो वो शक्ति की पूछी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन, अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की वाट मत लगा देना, वो गलत हो जाएगी, अश्व शक्ति हो जाएगी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन आप लोग लगा देना, ठीक है, बी मत लगा देना। चलिए आगे देखेंगे। आगे हमारा कार्य करने दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? अब ये हमारा सही हो जाएगा, अब हमारा कौन सा लगाएंगे, अब हम वाट लगा देंगे, इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, उद्बोधनी की मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसीबल का प्रयोग करते हैं, किसका, डेसीबल का। तो राइट ऑप्शन कहाँ हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, इसका 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 से 75 डेसीमल मानव शरीर हार्मोन सर्वोत्तम रहता है, मतलब इतने से इतने भी 45 से 75 बीच के मानव जो ध्वनि को सुन सकता है अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन 16 नंबर, ध्वनि की मापे कमाई क्या है, डेसीमल है, अभी मैंने आपको बताया था, डेसीमल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा मापेंगे, 17 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उसको भी हम डेसीबल के रूप में मापेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? ऐसा ही प्रणाली में प्रतिबल की पूछी गई है, ठीक है, तो 18 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब हम देखेंगे अपने सही और मिलान, सही और मिलान मिलाएंगे तो एक पहला जो हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व हमेशा क्या होता है, वो होता है टेस्ला, पहला तो हमारा सीधा सीधा कन्फर्म हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि पहले में ए कहाँ कहाँ है, तो ए सी में भी है और डी में भी है, चलो छोड़ो आगे देखते हैं। स्वप्रेरण किसका होता है, हेनरी का होता है, तो दूसरे का सी मिलेगा, तो हमारा कहाँ है, तो ये डी में दिख रहा है, पहले का ए दूसरे का सी, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर ट्रिक करके अपना आराम से निकाल सकते हैं जल्दी। अब हमारा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो अपवर्तनांक का हमेशा याद रखना कोई भी मात्रक नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, तो किस में, जूल को किस में नापते हैं, जूल को हमेशा याद रखना आप लोग, उसको हम ऊर्जा में नापते हैं, जूल को किस में नापते हैं, ऊर्जा में नापते हैं, 21 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब एक बात कहना चाहूँगा, जूल की हम कह सकते हैं जूल किसको नापते हैं, ऊर्जा में, अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊर्जा तथा जो कार्य होता है, ऊर्जा और हमारा कार्य है, इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, एक बात याद रखना। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड होता है, किसका, वेग का।
और बल का क्या होता है, बल का सीधा सीधा याद होगा न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखना। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, किसकी इकाई जो ऊर्जा के समान है, भाई साहब कार्य की होगी, अभी मैंने आपको बताया अभी था, तो राइट ऑप्शन आप क्या कर देंगे, इसका सी ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, शक्ति की इकाई को बार बार बता रहा हूँ, शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इनमें से हमें ये बताना किसकी इकाई नहीं है, वो हो जाएगी सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। और घनत्व क्या होती है, घनत्व की हमेशा याद रखना किलोग्राम अपॉन मीटर क्यू होती है, किसकी? घनत्व की। अब अगर एग्जाम में पूछ लिया दाब की क्या होती है, तो आप बता देना दाब की पास्कल होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी होती है, और विस्थापन मीटर, विस्थापन मीटर की होती है। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड ये जो इकाई है ये किसकी है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो आवेश की एम्पियर अपॉन सेकंड इकाई होती है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, एक मिनट, क्वेश्चन है गैलन जो है दोस्तों सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, जो गैलन है इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो हमेशा याद रखें गैलन का प्रयोग हम आयतन की माप के रूप में करते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। और हमेशा याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक गैलन बराबर कितना होता है, तो हमेशा याद रखना 3.785 होता है, एक गैलन बराबर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.785 होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा याद रखना हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, हम कहेंगे 9.46 × 10^15 मीटर होता है, यानी कि थोड़ा शॉर्ट में अगर देखेंगे तो अगर आप बोलना चाहो तो 9. ऐसे भी कह सकते हैं 946 सिर्फ याद करने के लिए, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते हैं 946 × 10^15, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते, अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा सकते हो। ठीक है, लेकिन बोलने के लिए हम सही बोलेंगे 9.46 × 10^15 ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, बोलने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, तो इसकी यूनिट जो होती है 28 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ओम, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इसमें थोड़ा क्या उल्टा पूछ लिया है, ओम का क्या होता है ओम का यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब बाट की क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है, और वोल्ट की क्या होती है, विभवांतर होती है। ठीक है, और एम्पियर की क्या होती है, एम्पियर हमेशा रखना विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर, शक्ति वाट, प्रतिरोध ओम, विभवांतर वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, दबाव की एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट क्या है, किसकी? दबाव की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का, और एक बार मैं आपको दिखा दूँ, नज़र डाल दूँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है, देख सकते हो आप। तो दबाव की अच्छे से एक बार आज मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप रट लेना। ठीक है, तो वो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दबाव की ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही यूनिट दबाव की वो हो जाएगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है,
तो पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमान दूरी की लंबाई की यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सही ऑप्शन 30 का, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इसका आप लोग लगा देना, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे वल का इकाई क्या है, अभी मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या लगाओगे आप इसका, बी ऑप्शन। वल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा, उम्मीद करूंगा आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द वो भी मिलेगी, लेकिन उसको मैं ये सोचता हूँ कैमरा लगा के और नीचे बुक रखकर सॉल्यूशन दे दिया जाए, क्योंकि पीडीएफ बनाने में क्वेश्चन काटने में बहुत टाइम लगता है, इतना वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता है जितना क्वेश्चन काटने में और पीडीएफ बनाने एडिट करने में टाइमिंग लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सिर्फ हमें देखो पढ़ने से मतलब है, हमें क्या मतलब है, पढ़ने से मतलब है, अगर आप चाहते हो तो मैं बुक का सोल्यूशन नीचे बुक रख कर और आपको अच्छे से रिविज़न करवा दूँगा, क्योंकि बुक महंगी है, 400 रुपये आप डालोगे क्या फ़ायदा, 400 रुपये डालोगे, इससे बढ़िया आप अपना 250 रुपये 150 रुपये की रिचार्ज करवा के अपनी वीडियो देख लो और रिविज़न भी कर लो। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत है, तो 33 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, प्रेशर या दाब की पास्कल, इलेक्ट्रिक इंडक्शन सीमेंस, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 33 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की अभी मैंने आपको बताया था, तो विस्थापन की एसआई जो इकाई हो जाएगी विस्थापन की वो हो जाएगी, यानी कि एक मिनट, विस्थापन की, हाँ विस्थापन की जो हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर, विस्थापन की एसआई इकाई क्या हो जाएगी यूनिट, वो हो जाएगी मीटर, तो आप लोग इसका ए ऑप्शन क्या लगाओगे, एक मिनट, तो इसका मीटर। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो विभवांतर की एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगी, तो 35 का आप लोग सी लगा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की पूछी गई है, तो अभी मैंने आपको बताया था 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है, क्या होती है, वेबर, और दो बार एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया 7 और 3 तारीख के बीच में, यानी कि एक महीने के गैप लेके ये क्वेश्चन पूछा गया। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यूनिट क्या होती है, शक्ति क्या होती है, अभी मैंने आपको कितनी बार बार बताई है, वो होती है वाट, और कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन वो भी आप देख लो। ठीक है, तो वाट होती है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है, मतलब कि बस सेम है दोनों की, तो 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, यानी कि त्वरण, जी के मान की एसआई इकाई और त्वरण की एसआई इकाई, ठीक है, वही होगी, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे हमारा क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 की एसआई यूनिट क्या है, तो 39 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ये इसकी इकाई हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, देखो प्रतिरोध की तो ओम होती है, लेकिन प्रतिरोधकता पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 40 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ओम मीटर, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। भार की एसआई इकाई खाली स्थान की इकाई वो एसआई इकाई के बराबर होती है भार, और हमेशा याद रखना किसकी, भार और बल की जो एसआई इकाई है वो बराबर ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं, खाली स्थान चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, चाल बराबर क्या होता है,
वो हमें इसमें बताएं। चाल बराबर होता है क्या? वैसे अगर देखा जाए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि ठीक है। देखो बी सी डी ये सभी गलत है, इनमें कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन क्या है मीटर अपॉन सेकेंड उसकी छोटी इकाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं, दूरी को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और समय को सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किसकी किसकी एक ही है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिना सोचे समझे आप लोग क्या लगा देना इसका। हम कह सकते हैं कि बल और उत्प्रेक्ष बल, यानी कि इसकी भी सेम ही होती है, और बल और भार की भी क्या होती है सेम ही होती है। तो आप लोग इसमें बी और डी दोनों लगा लेना, ठीक है, बी और डी दोनों लगा लेना। अगला है मीटर सेकंड इनवर्स टू निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर अपॉन सेकंड इनवर्स टू किसकी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगी हमारी तुरड की। तो कहाँ है तुरड? डी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और तुरड की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को तुरड कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान की एसआई इकाई जूल अपॉन सेकंड होती है, तो जूल अपॉन सेकंड जो होती है वो हमारी हो जाएगी यानी कि शक्ति, ठीक है। जो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? जूल अपॉन सेकंड। चलिए आगे देखेंगे, तो ठीक है इसका डी ऑप्शन आप लोग लगा लेना। न्यूटन खाली स्थान के मापने का ये न्यूटन किसकी है? ये तो आपको रटा रटा क्वेश्चन होगा, बल की है। किसकी? तो आप लोग बिना कहे बी ऑप्शन इसका 46 का बी ऑप्शन लगा देना है। चलिए, खाली स्थान की एसआई इकाई यूनिट के मतलब कि किसकी जो है इकाई वो न्यूटन है, ये हमें बताना है। तो हमेशा याद रखना वो बल या वजन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो हमारी होती है एम्पियर। कौन से क्या होती है? एम्पियर। तो आप इसका क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। और कितनी बार एग्जाम में पूछा गया वो आप देख लो एक बार, ये देखो। आगे हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान की एसआई इकाई एम्पियर क्या है? मतलब कि जो है एसआई इकाई एम्पियर है, तो किसकी एसआई एम्पियर है? तो वो हो जाएगी विद्युत धारा की। तो इसलिए 49 का भी क्या लगाओगे आप लोग? सी ऑप्शन, ठीक है। 49 का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, खाली स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है, तो वोल्ट किसकी हो जाएगी? विभवांतर की हो जाएगी, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको सब कुछ बता दिया था। कूलाम किसकी इकाई है? तो कूलाम हमेशा याद रखना, कूलाम जो इकाई है वो हो जाएगी विद्युत आवेश की। कूलाम किसकी हो जाएगी? विद्युत आवेश की, विद्युत आवेश की कूलाम। आगे देखेंगे, तुरड़ का एसआई इकाई क्या है? तो तुरड़ का एसआई इकाई जो है वो हमेशा याद रखना इनवर्स टू, अभी मैंने आपको बताया था, तो एम एस इनवर्स टू किसका हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन, अगर ये आप लगा रहे हो सी ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान मतलब टेम्परेचर की एसआई इकाई सेल्सियस होती है। तो सही ऑप्शन 53 का आप लोग क्या लगाओगे? एक मिनट, किसकी पूछी गई है? एक मिनट, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई, अरे तापमान की केल्विन होती है, ठीक है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। तो इसलिए इसका 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो फिर वही आ गया, क्या एन एम मतलब न्यूटन मीटर इनवर्स टू की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो 54 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दाव की। न्यूटन मीटर इनवर्स टू जो हो जाती है वो दाव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई हो जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है? तो भार की और खाली स्थान किसकी? बल की, यानी कि 55 का सी ऑप्शन आप लोग 55 का लगा देना है।
ठीक है, क्या सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगी समय। ठीक है, समय हमारी सही हो जाएगी। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, तो निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है वो हमें बताना है, तो वो हो जाएगा अपेक्षित घनत्व, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको करवाया था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपेक्षित घनत्व, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, घनत्व का क्या हो जाएगा, घनत्व का हो जाएगा वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, और बल का क्या हो जाएगा, बल का वही होता है न्यूटन। ठीक है, संवेग का अगर पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं, तो किसकी नहीं होती हैं, बल और दबाव की जो इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। ठीक है, चाल वेग दूरी विस्थापन कार्य ऊर्जा इनकी सबकी होती हैं, लेकिन बल और दबाव की नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर किसकी इकाई है, तो प्रतिरोधकता की ओम अपॉन मीटर होती है। तो 59 का आप लोग ए ऑप्शन बिना कहे लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो 60 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा MS इनवर्स 2, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी, MS इनवर्स 2 हो जाएगी। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित में से किस किन युग्म की एसआई इकाइयां समान हैं, तो निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान है, तो 61 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इसकी कार्य और ऊर्जा की। ठीक है, चलो आगे देखिए, एक पास्कल बराबर क्या होता है, तो हमेशा याद रखना एक पास्कल बराबर होता है एक न्यूटन मीटर इनवर्स 2, एक न्यूटन मीटर इनवर्स 2, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते क्या आगे, आगे हमारे सही मिलान आ चुके हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान करिए, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा लगा के इनको करेंगे। तो एक वार मतलब सबसे पहले हम 63 का ये देखेंगे, 63 का यानी कि वाट, तो वाट जो होता है डब्ल्यू अपॉन वाट, न्यूटन मीटर अपॉन नैनोमीटर, और किलो वाट अपॉन किलो वाट, यानी कह सकते हैं किलो वाट हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, तो किलो वाट जो होता है दोस्तों वो, और एक किलो वाट हावर्स बराबर कितना होता है वो हमें इसमें देखना है। तो थोड़ा सा ट्रिक करके हम ये देख लें क्या, और चौथा है एक हार्स पावर, एक हार्स पावर 746, तो यानी कि सीधा सीधा आप ये देख लो चौथे का चौथा कहाँ कहाँ पर है, वो ए और डी में मिल रहा है, ए और डी में मिल रहा है चौथे का डी डी, देख लो पहले एक बार, चौथे का यानी कि एक हार्स पावर वाला 746 वाट होता है, लेकिन चौथे का डी कहाँ कहाँ पर है, ए में और डी में है, तो हमारे बी और सी तो कट गए। ठीक है, अब हम ये और देख लेंगे, थोड़ा सा एक और ट्रिक लगा लें कि एक किलो वाट हावर्स और आवर कितना होता है, एक किलो हार्स मतलब और तो वो होता है 1000 वाट, तो ये भी हमारा सही, तीसरे का सी। जब तीसरे का सी कहाँ पर है वो दिख रहा है डी ऑप्शन में, ए और डी में से चौथा वाला सही है। ठीक है, क्यों हमें ज़्यादा मिलाने की हिम्मत मत करो, जो जो हमें आता है वो देख लो और वही सही करके आगे बढ़ो। विद्युत धारा का एसआई अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई वो हो जाएगी, यानी कि हमारी 64 का वो एक एम्पियर, क्या हो जाएगी एम्पियर। ठीक है, अब तो रट गए होंगे, आई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग धैर्य का एसआई मात्रक हमेशा याद रखना 65 का सही ऑप्शन हो जाएगा मीटर, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है 65 का, वो हो जाएगा मीटर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना सीधा सीधा याद है मोल, किसका प्रयोग करेंगे मोल का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इसका भी आप लोग क्या लगाओगे 67 का भी बी ऑप्शन लगा देना। आगे देखेंगे, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक जो हो जाएगा किलो वाट, किसका पूछा गया, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक पूछा गया है,
तो 68 का आप लोग ए लगा दो, किलोवाट्स हावर्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, मात्र कूलाम अपॉन सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा मात्र कूलाम, जो कूलाम अपॉन सेकंड वो एम्पियर का हो जाएगा। किसका? एम्पियर का हो जाएगा, कूलाम अपॉन सेकंड एम्पियर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य वेव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो तरंग दैर्घ्य तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 70 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि का प्रदूषण मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेसीबल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता हमेशा याद रखना डेसीमल में मापी जाती है, तो इसका भी 72 का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। 72 क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या मेजरमेंट यानी कि मापन। अगला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि 1.01 × 10^5 pa। इसके लिए हमारा सही ऑप्शन ए ऑप्शन, 73 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। 746 वॉट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्वशक्ति कहा जाता है। 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो हमेशा याद रखना एक डायोप्टर बराबर होता है 1 m² यानी कि इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? एक डायोप्टर बराबर 1 m² होता है। एक मीटर किसके बराबर होता है? तो एक मीटर जो होता है दोस्तों वो हमेशा याद रखना 10^6 μ के बराबर होता है। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु त्रिज्या खाली स्थान में मापी जाती है। तो परमाणु त्रिज्या जो है किस में मापी जाती है? तो 78 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो किसके करके की जाती है? राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 79 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लक्स मीटर कहते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, एक किलोवाट्स हावर्स बराबर कितना होता है? तो ये हमारा सरल क्वेश्चन है, 80 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3.6 × 10^6 J के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन भर भर के एग्ज़ाम में आया है, यहाँ पर देख सकते हो आप। एक किलोवाट्स ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये होती है हमेशा याद रखना, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक किलो, ये तो हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 J·1 होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाए, तो एक किलो वाट बराबर क्या होता है? 1000 J·1 होता है, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है, एक किलो वाट खाली स्थान शक्ति के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो 83 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होता है 1000 W के बराबर होता है। 1.5 kWh किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 84 का हमारा सही ऑप्शन होगा 19.8 × 10^6 J के बराबर होता है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, 5.6 kWh किसके बराबर होता है? तो 85 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20.16 × 10^6 J के बराबर होता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 1 N बराबर कितना होता है? तो 86 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 kg × 1 m²/s² यानी बी ऑप्शन, 1 kg × 1 m²/s² यानी कि -2। 1 N, एक मिनट, हाँ अब फिर एक बार क्या डबल पूछ लिया गया ये क्वेश्चन, हाँ डबल पूछ लिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा पहले गुणा करके अब इसमें क्या गुणा नहीं किया गया, तो 1 N बराबर क्या होता है? तो वो भी हमारा यही हो जाएगा 87 का, तो 87 का भी आप बी ऑप्शन लगा देना है। आगे हमारा क्वेश्चन है,
4.6 किलोवाट्स हावर्स बराबर कितना होता है, तो कितना होता है 88 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि 16.5 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा 2 किलोवाट्स हावर्स बराबर कितना होता है, तो 2 किलोवाट्स हावर्स बराबर होता है तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 7.2 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 4.2 किलोवाट्स हावर बराबर कितना होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15.12 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो एक प्रकाश वर्ष द्वारा किसको दूरी को मापते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 91 का क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, ये 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक कूलाम अपॉन एक सेकंड बराबर कितना होता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सही ऑप्शन 93 का वो हो जाएगा 1 एम्पियर होता है, यानी कूलाम अपॉन सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पिकोमीटर नैनोमीटर ये आप याद कर लेना एक बार सारणी से, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है वो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 पिको 10⁻¹⁰ मीटर, ठीक है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर जो होता है, एक मिनट, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, 1 जूल बराबर जो हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो आप ए ऑप्शन लगा देना, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर होता है, तो सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा, एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो कितनी ऊर्जा खत्म होगी, तो कुछ नहीं, सीधा सीधा है 3.6 × 10⁶ कितना, यानी कि 10⁸ जूल हो जाएगा, कहाँ हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए अब मापक यंत्र देखेंगे, थोड़ा यहाँ से टाइमिंग को स्पीड करेंगे, ठीक है, और हाँ, ऐसे ही अगर वीडियो आप चाहते हो कंटिन्यू तो आप हमें बता देना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, कम समय में। आप अगर इसी तरीके से जाते हो तो हमें कमेंट करके बताना, अगर ऐसे ही जाते हो तो सपोर्ट कर देना बस। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ हम नापते हैं यानी कि आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। चलिए, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं दोस्तों पेरीस्कोप का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो 99 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हम बायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, वायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि वायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, वायुमंडलीय में वायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हम करते हैं वोल्टमीटर, विभवांतर क्या हो जाएगा वोल्टमीटर। चलिए आगे देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा वोल्टमीटर हो जाएगा 103 का भी। चलिए आगे देखते हैं, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, राइट, क्या पूछे, सर्किट में बिजली का प्रभाव बताने के लिए, तो कुछ नहीं, उसमें हम अगर हम क्या लगा देंगे, उसमें अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो उससे पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा का, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान उपयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 105 का हम करेंगे टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करेंगे।
व्यूमापी जो है क्या है, मूलतः क्या है, थोड़ा हमेशा याद रखें, व्यूमापी जो हमारा है यह हम कह सकते हैं, तो ये किसके लिए मूलतः एक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये होता है मापन उपकरण है, व्यूमापी क्या है, मापन उपकरण है, तो इसलिए फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस उपकरण का विद्युत धारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ एमीटर से माप सकते हैं, किससे धारा मापा मापी जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एमीटर से। चलिए एमीटर क्या है, एमीटर क्या है और एमीटर के बारे में यहाँ भी बताना है, एमीटर को श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है, यह खाली स्थान में विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खिंचात मतलब कम विद्युत खींचता है, उपयुक्त सभी, यानी कि हम देख सकते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी नियमों को ये पालन करता है जितने भी हमारे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसको मापने के लिए टेस्ला गोमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हम करेंगे दोस्तों पृष्ठ तनाव का प्रयोग करेंगे, किसका, पृष्ठ तनाव का। चलिए आगे देखते हैं, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है, तो गाड़ियों में ओडोमीटर की जो होती है दोस्तों, कहने का मतलब ये है हम दूरी मापने में इसका है, ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की जो दूरी होती है उससे हम नापते हैं, ठीक है, उसी को नापते हैं दूरी को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा पी डॉट ट्यूब, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, टैकोमीटर का मापन करता है, तो टैकोमीटर का कौन मापन करता है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा 112 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल, यानी कि इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, 212 का डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, देखो टैकोमीटर का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो चक्कर प्रति मिनट जो होता है ना आरपीएम, वो मापता है टैकोमीटर, ठीक है, दूरी नहीं नापता है। मल्टीमीटर में क्या होता है, देखो मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, करंट मीटर, ओममीटर सभी होता है, तो प्रयुक्त मात्र डी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, तो देखते हैं कौन सा हमारा गलत है, ये रहे ऑप्शन 115 का, देखिए इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, किसको, रिएक्टर पैमाने को, बिल्कुल वासी, यह लघु गुणकीय पैमाना भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल है, इसे भूमापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल बात सही है, रिएक्टर पैमाने का 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, हाइड्रोमीटर का, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता माप मत कर देना, पानी के अंदर की वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हम दोस्तों सोनार किरणों का प्रयोग करते हैं, 117 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जहाज़ों में क्या मापने के लिए लोकेशन का उपयोग किया जाता है, हम दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, वो हो जाएगा पानी की गहराई मापने के लिए, ठीक है, ठीक है, पानी की गहराई। चलिए, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, 100% एग्जाम में आएगा, लैक्टोमीटर, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, लैक्टोमीटर। चलिए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं, किसमें, ऑटोमोबाइल में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ओडोमीटर का ही प्रयोग करते हैं, क्या, ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ी वो मोटर गाड़ी का ऑटोमीटर क्या मापता है, तो जो ऑटोमीटर होता है ना रेल वो मोटर गाड़ी में, तो जो ऑटोमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दूरी को मापता है, इसके डिस्टेंस को मापता है। आगे क्वेश्चन है, खाली स्थान को उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है, ऑटोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रट गया हुआ ये क्वेश्चन है आपका, बी ऑप्शन 122 का बी ऑप्शन।
आगे क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए प्रयोग किया था। वोल्ट मीटर को हमेशा सिर्फ और सिर्फ विभवांतर मापने में प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसी पर्वत में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, दिशा दर्शाने के लिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए क्या, 125। तो 125 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति जानने में कौन मदद करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, वेलोमीटर। क्या? वेलोमीटर का प्रयोग करते हैं वाहन की गति जानने में। इकोलोकेशन का एक प्रकार है, तो इकोलोकेशन का एक प्रकार है किसका है, इको मतलब आवाज से समझ जाओ। 127 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोनार से, ठीक है, सोनार से। आगे क्वेश्चन हमारा है, खाली स्थान का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ, क्या पूछा क्वेश्चन, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे। एनीमोमीटर उपकरण का खाली स्थान मापने में किया जाता है, तो वायु और दाब, यानी कि 131 का क्या लगा देने आप, अच्छा वायु तो है ही लेकिन दाब नहीं होगा, अच्छा तो वायु की गति माप सकते हैं, अभी ऊपर बताया था ना 130 वाला, ठीक है, तो वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन का प्रयोग करते हैं, तो झूठ का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम दोस्तों करेंगे पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो लाई डिटेक्टर किसके रूप में जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पॉलीग्राफ, ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ और लाई डिटेक्टर का उपकरण का प्रयोग के रूप में जाना जाता है, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भट्टी जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, किसने पूछा है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो 134 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? पायरोमीटर का। तो साथियों, इस वीडियो को हम यहीं पर दी एंड करेंगे, ये हमारा पार्ट वन है, और अगर वीडियो को आप मतलब थोड़ा बड़ा चाहते हो या मतलब टाइमिंग ज़्यादा चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता देना, अगर वीडियो इसी तरीके से आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो मैं एक डेढ़ घंटे मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा खींचने का पूरा कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।